मंडी फोर लेन निर्माण के पांचवे व आखिरी चरण में मंडी से नारला तक बनने वाले टू लेन की जद में आ रहे प्रभावित जमीनों की कीमत का उचित मूल्यांकन न किए जाने पर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बनाया है। वहीं विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के घेराव की भी चेतावनी दी है। इस बाबत फोलेन प्रभावित की विशेष बैठक रविवार को फोलेन समन्वय समिति सदर इकाई अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रभावित परिवारों ने बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज करवाई। समन्वय समिति अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि उपमंडल प्रशासन द्वारा फोलेन की जद में आने वाले सैकड़ों किसानों की जमीनों की कीमत का जो मूल्यांकन किया गया है वह किसी भी तरह तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि RJ रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट वाले 35 सालों से आपकी सेवा में, बेस्ट ज्वेलरी फॉर योर बेस्ट मोमेंट्स। अब पद्धर में भी खुल गया है रतन ज्वेलर्स का शोरूम। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष फोरलैन समन्वय समिति सदर उपमंडल ठानकोट मंडी। फोरलैन निर्माण में पांचवे फेज में प्रभावित नारला से बिजली के सभी प्रभावित परिवारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि समिति ने एक अहम फैसला लिया है कि हमारी अधिग्रहण की गई जमीनों के उचित मुआवजे को लेकर 22 तारीख को सुबह न्यू विक्टोरिया पुल से DC ऑफिस मंडी तक एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा व DC मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को एक अपना मांग पत्र भेजा जाएगा। मेरा प्रभावित सभी परिवारों से विनम्र एक बार दोबारा निवेदन है कि वे 22 तारीख सुबह 10 बजे ठीक विक्टोरिया पुल पर पहुंच जाए और हमारे इस विरोध प्रदर्शन को कामयाब बनाए। और मेरा सभी पंचायती राज के भी चुने हुए प्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन है कि वो भी अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका फैसला के लिए मंडी से जिला ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।